डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। महोदय, मैं इस अवसर पर सरकार से और विशेष रूप से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस कार्य के लिए अधिक निधि प्रदान की जाए। मुझे लगता है कि पुरातात्विक विभाग के पास जो निधि उपलब्ध है वह पर्याप्त नहीं है और उस निधि के पुरातात्विक स्थलों पर कराए जा रहे कार्य पूर्ण नहीं हो सकेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें और बजट आवंटन में भी बढ़ोतरी करें तथा पर्यटन विभाग के साथ तालमेल रखें। इन स्थलों पर कार्य होने से रोजगार पैदा होता है और परिसंपत्तियां भी बनती है। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन परियोजनाओं को तय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाए। महोदय, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इससे हमारी धरोहर, संस्कृति, समाज और जिन चीज़ों के लिए भारत जाना जाता है उन मूल्यों की रक्षा होगी। बिल्डिंगों को सिर्फ एक इमारत के रूप में न देखा जाए बल्कि यह हमारी संस्कृति, समाज और हमारे सोच की प्रतीक है। माननीय मंत्री जी, जो यह प्रगतिशील बिल लाए हैं इससे हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि इन धरोहरों के पास जो 100 मीटर का दायरा है उसको हटाया। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इसे गरीबी एवं अमीरी से न जोड़े, यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जिन लोगों को जहां कहीं भी बसाया जाएगा उनका भी ध्यान रखा जाएगा, परंतु इस कीमत पर नहीं कि हमारी धरोहर को नष्ट कर दिया जाए। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की धरोहर है और यह भारत की धरोहर है। यह बहुत ही प्रगतिशील व सुधारात्मक है और इसकी आवश्यकता बहुत पहले थी। किसी कारण से वह नहीं आ पाया, अब वह कारण खत्म हो गया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया है। वर्ष 1847 की सर सैयद अहमद खां की असार उस सनादित पुस्तक और वर्ष 1920 की मौलवी जफर हसन की 3 खंड की पुस्तक, जिनमें कुल 3600 से ऊपर ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताया गया है, उन धरोहरों को संभालने के लिए इस सरकार ने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल या स्मारक देश की सभ्यता व संस्कृति की परिचायक होती है। अपने देश के गौरवपूर्ण इतिहास को जानने में इन स्मारकों का बहुत अधिक महत्व है। हमारी पुरातात्विक विरासत हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति का एक अंश है। महोदय, भारत में हस्तिनापुर से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किया है। माता सीता की सीतामढ़ी से लेकर 8000 साल पूर्व मोहनजोदड़ो की जो कालीबंगा की सभ्यता है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। हमारे यहाँ बूढ़ा जोहर नामक एक जगह है जो वर्ष 1740 से वीरान पड़े रेगिस्तान में बाबा बूढ़ा जी के नाम से प्रसिद्ध था। हरि मंदिर साहेब में मसा रगड़ खान जो शराबी तथा कबाबी था, जिसने सिख कौम को खत्म करने का ऐलान किया था। श्री सुखा सिंह तथा श्री महताब सिंह जैसे दो ऐसे नौजवान जिन्होंने मसा रगन खान का सिर कलम किया था, आज भी वहां अरदास पूरी होती है। यह जो प्राचीन स्थल है वह हमारे देश का एक धरोहर है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन जगहों कृपया मेरी बात को सुन ले। सर, जब ही पे कमीशन बैठता है उसके स्वीकार के बाद जजेज की सैलरी का विषय भी दो कानून से गवर्न होता है। जो माननीय हाई कोर्ट के जजेज हैं वे हाई कोर्ट जजेज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जजेज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958 है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1965 से जब से उनकी सरकार रही है तब से एक कानून चला आ रहा है कि जो हमारे माननीय हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी सैलरी भारत सरकार के सेक्रेटरी के बराबर होगी। माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वे जजेज हैं,
उनकी सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगी। भारत के चीफ जस्टिस की सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी से अधिक होगी। सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं सारे माननीय सांसदों को पीड़ा को समझता हूँ और उनकी अपेक्षा भी को भी समझता हूँ, लेकिन मैं हमारे सरकार माननीय सांसदों को एक ही आग्रह करूँगा कि वे देश को चलाने के लिए बैठे हुए हैं। लोकसभा से जो बिल पास होता है वह देश के लिए होता है, देश के सारे अंगों के लिए होता है। जहां तक स्वयं माननीय सांसदों की सैलरी रिवीजन का मामला है, जो प्रक्रिया है उनके अनुसार उसको तय करेंगे। समाप्त।